खबर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा जनपद में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाते हुए घटना में सम्मिलित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व चोरी हुए माल की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्र अधिकारी मोहम्मदाबाद के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदाबाद पवन कुमार उपाध्याय द्वारा अभियुक्तगण अनुराग रावत पुत्र महेश रावत निवासी हिमलासा थाना हिमलासा जनपद सागर मध्य प्रदेश, प्रशांत कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय गोविंद प्रसाद गुप्ता निवासी B2156 भदेनी थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष, अभिषेक यादव पुत्र राजू यादव निवासी नगवा थाना लंका जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष को तिवारीपुर तिराहा मोहम्मदाबाद से गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कुल 8,25,000 रुपये नगद, बड़ी मात्रा में पीली तथा सफ़ेद धातु के आभूषण जिसका अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपये तथा 2 तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गए। गिरफ्तारी किए चोरों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या था मामला? 11 तारीख को करीब सुबह 4 बजे थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक को यह सूचना मिली थी कि कस्बे में ही एक बड़ी चोरी की घटना हो गई है। पूरा वाक्य इस प्रकार है कि 10 तारीख में वहाँ के एक व्यापारी हैं मोहम्मदाबाद के विनोद गुप्ता, उनके घर में एक कोई मांगलिक उत्सव था जिसमें उनके काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे, तो वहीं किसी गार्डन में हो रहा था। वो अपना घर बंद करके करीब 8:15 बजे निकले थे। उनके घर पर CCTV भी लगा हुआ था और उनके निकलने के करीब 10-15 मिनट बाद 4 लोग वहाँ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए उनके CCTV में। वो CCTV केवल उनका बाहर की ही कवर कर रहा था। जब सुबह घटना स्थल पे सभी अधिकारी पहुंचे थे, हमारी स्वाट और सर्विलेंस टीम भी पहुंची थी और जो मोहम्मदाबाद के सभी व्यापारी वहां एकत्रित थे, तो अंदेशा ये जताया जा रहा था कि इस चोरी में बड़ी चोरी हुई है और उनके घर में क्योंकि व्यवसायी थे तो कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई है। इसे पूरी घटना को पुलिस द्वारा चुनौती के रूप में लिया गया। आज इसका सफल अनावरण हमारी स्वैट सर्विलेंस टीम और थाना मोहम्मदाबाद के प्रभारी निरीक्षक की टीम ने किया है। इसमें कुल मिला के 7 अपराधी सम्मिलित थे, जिनमें से 3 अपराधियों को पकड़ा गया है तथा चोरी का करीब 8,25,000 रुपये नगद बरामद हुआ है और 200 ग्राम सोने के आभूषण जो लगभग 14 लाख के हैं, 1 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण जो चोरी गए थे वो भी बरामद हुए हैं। बाकी जो इसमें अभी अभियुक्त बचे हुए हैं उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके जो इसमें शेष धनराशि बची है उसकी बरामदगी की जाएगी। पकड़े गए लोग सर किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं या कोई निजी संबंध? यहाँ पूरी घटना में जो वादी है उन्हीं का एक बड़ा क्लोज रिलेटिव जो था वो पकड़ में आया है, उसके द्वारा ही इस पूरी घटना को साजिश करके कराया गया था और वो घटना से पहले ही आ चुका था और घटना होने के बाद बाकी अपराधी चले गए थे ट्रेन द्वारा वाराणसी